अक्सर कुछ कहानियाँ कुछ रस्मों पे आके ख़त्म हो जाती हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज अभिराज, ऑथर ऑफ द नोवेल द साइलेंट डायरी। आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जिसका शीर्षक है रस्म। बसंत पंचमी का वो दिन हमारी ज़िंदगी में एक अलग निशान छोड़ने जा रहा था। दुनिया की खुशफहमियों से दूर पार्क के एक कोने में एक पेड़ के नीचे हम कुछ गिलहरियों को देखते हुए अपनी आखिरी मुलाकात के बारे में सोच रहे थे। उतने सालों से जो रिश्ता कभी नाराज़गी कभी मोहब्बत से गुजरा था, आज उसका आखिरी दिन था। जब वक्त अपनी सुनाने लगता है तो हमारे पास सुनाने को बस खामोशी होती है। हमारे प्यार का आखिरी रस्म हम पूरा कर रहे थे। हाँ, आखिरी रस्म एक दूसरे की आँखों में झांकने का। अब तक की हर मुलाकात में यह रस्म हमने निभाया था। मैं अक्सर पूछता था, ऐसा क्यों करती हो, और उसका जवाब होता था, दिल की बातें अक्सर निगाहें बयां कर देती हैं। आज से पहले तो मैं उसकी आंखों में झांका हजारों बार था, मगर खोया आज पहली बार था। उसकी जगह आज मेरी आंखें भरी हुई थी। आखिरी विदाई आंसुओं से नहीं मुस्कुराहट से दी जाती है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मेरी हाथों को थाम कर उसने पूछा, क्या दिखाई दिया मेरी आंखों में? पता नहीं, तुम ही बता दो क्या दिखा। एक तारा जो आसमां से टूटा भी और जमीन को मिला भी नहीं, उसने भरी आंखों से कहा। यह सिलसिला खत्म हुआ। उसकी नज़रों में मैं हमेशा के लिए मोहब्बत का एक अनजान परिंदा बनकर ही रह गया। उसे कैसे समझाता, तूफानों में महज एक घर नहीं पूरी बस्तियां उजड़ा करती हैं। सूखे समंदर में कभी लहरें नहीं आती, सूखे समंदर में लहरें नहीं आया करती। सिर्फ रात हो तो दिन की पहरे नहीं आया करती। आदत हो जब कांटों का तो सफ़र में ठहरे नहीं आया करती। कुछ मुसाफिर की ज़िंदगी में कभी सहरे नहीं आया करती। थैंक यू। सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।